तो वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल। तो आज का जो टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जैसे आप यहां पर देख भी रहोगे हमारी एक यहां पर लाइन आ रखी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था, सिंपल डेप्रिसिएशन था। अब ये जो आ गया है एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट मतलब टू कलेक्ट, या हिंदी में बोल ले इकट्ठा करना, ठीक है जी। तो होता क्या है एक्यूमुलेटेड डेप, कोई बताएगा इसके पीछे रीजन क्या होता है, कोई भी एनीवन? सारा डेप्रिसिएशन, हाँ बिल्कुल सही है, पर क्या है इसका रीजन क्या है? देखिए कई कंपनीज होती है, आपने 11 में पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर, तो उसमें हम एक था आपका सिंपल डेप्रिसिएशन जो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगता था और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से आपका डेप्रिसिएशन लगा करता था, ठीक है, देखा था आपने। फिर आपको याद होगा एक और था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अलग से बनता था एक, याद आया? इलेवेंथ क्लास में आपने किया था कि सारा जो प्रोविजन है, कई कंपनी क्या करती है अपने अकाउंट्स को ज्यादा पेचीदा ना करकर वो क्या करती है, एक बनाती है मशीनरी अकाउंट या इक्विपमेंट अकाउंट जिसको बोल ले फिक्स एसेट का अकाउंट, उसमें सारी फिक्स एसेट का कितनी फिक्स एसेट आई कितनी गई ये सब चीजें, और जितने भी डेप्रिसिएशन होते हैं उनका वो अलग बनाती है, ठीक है, प्रोविजन फॉर जितने भी होते हैं, तो उन सारे डेप्रिसिएशन को इकट्ठा बनाया जाता है। अब सवाल ये है सर, जब हम मशीन को बेचेंगे, सपोज करो हमने कोई मशीन बेची, 10 लाख की मशीन हमने खरीदी थी, आज उसको हम 8 लाख में या 7 लाख में बेच रहे हैं, तो सर जायज सी बात है जब इसको हम बेचेंगे तो हम क्या करेंगे उस मशीन से, उस मशीन को जब हम बेचेंगे तो हम यहां से जो हमने डेप्रिसिएशन का पूरे साल भर में लगा रखा है, जितना भी लगा रखा है, वो सारा डेप्रिसिएशन उसकी कीमत से लेस करेंगे, ताकि हमको रियलाइज हो कि भाई जो हमने मशीन बेची है वो फायदे में बेची है या नुकसान में बेची है। क्योंकि जब हम मशीन खरीदते हैं, जैसे ये पेन हमने खरीदा था तो उस समय इस पेन में काफी कुछ लिखा हुआ था, जैसे ये वाला पेन, अब कोई भी देख के बता देगा कौन सा पेन नया है कौन सा पेन पुराना है, क्योंकि ये काफी अच्छी कंडीशन में इसमें लिखा हुआ दिख रहा है सब कुछ कि भैया कौन सी कंपनी का क्या, इसका सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अब इस पेन को मैं बेचना चाहूंगा, जब मैंने लिया था तो 30 रुपए में लिया होगा, आज जाएगा तो 10 या 5 रुपए में जाएगा, तो सर कहीं ना कहीं तो मैंने इसका मेंटेन, वैसे तो इस पेन का तो मेंटेन किया नहीं जाता, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो तो इसके अकाउंट्स बनाएंगी ना, तो सर ऐसी एक जो इकट्ठा डेप होता है वो सारा एक कमरे में डालते हैं जिसको हम लेजर बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप के नाम से। जब उस मशीन को बेचेंगे तो उसको हम यहां शिफ्ट कर देंगे, जब उस मशीन को बेचेंगे तो जो उसका इकट्ठा डेप है वो यहां पर आ जाएगा, और करंट ईयर का डेप कहां पर आएगा, हमारा क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको सिखाता हूं कैसे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें, इक्विपमेंट देयर का हमको पिछले साल था 65 लाख का, और यह हमारा बढ़कर कितना आ गया 78,70,000, यानी 78,70,000, और एक्यूमुलेटेड डेप देयर का हमें अलग से, तो सर इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप हमने बनाना पड़ेगा। ये हमारा नेचर से एसेट है, ये हमारा नेचर से लायबिलिटी साइड हो जाती है, ठीक है सर। तो चलो पहले हम इसको करते हैं पूरा। तो इक्विपमेंट आ रहा है तो हमारा ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा सर, एसेट का है तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी, कितना आ जाएगा सर 65 लाख, और यहां पर आ जाएगा मेरा बाय बैलेंस सीडी, कितना आ जाएगा 78,70,000। यानी जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किए थे सारी एडजस्टमेंट्स इधर आएंगी, बस डेप की इधर नहीं आएगी, डेप को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड डेप का हम का क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा, हमारा यहां पर आ जाएगा बाय बाय बैलेंस बीडी, कितना आ गया सर 10,80,000, और ये कितना आ जाएगा मेरा टू बैलेंस सीडी, कितना आ जाएगा 16,32,000, ठीक है सर, इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, इस एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। अच्छा मैं पहले एक चीज और आपको समझा दूं, सपोज करो क्वेश्चन यही आता केवल और ये ना होता, ये वाली एंट्री हमारी नहीं होती, ये भी नहीं होता, ठीक है, हमारा केवल ये होता, तो सिंपल हम इसको क्या मान लेते हैं, परचेज मान लेते हैं, क्योंकि पहले थी 65, अब कितना हो गया, तो जो इसका डिफरेंस आएगा उसको परचेज मान लेंगे, और उसको कहां डालेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस में डाल देंगे, क्योंकि एसेट खरीदने से हमारा कैश गया है, ठीक है। पर यहां पर तो ऐसा नहीं है, ये भी दिखा रहे और ये भी शो कर रहे, और साथ में एडजस्टमेंट भी दे रखी, कई चीजें दे रखी हमें, ठीक है। तो चलो जी, अब हम यहां पर देखें द इक्विपमेंट कॉस्टिंग, जो कॉस्ट है उसकी वर्किंग नोट में चेक करते हैं, जो कॉस्ट है इक्विपमेंट की बेटा कितनी है 12,30,000।
इस पे एक्यूमुलेटेड डेप लगा, एक्यूमुलेटेड डेप कितना लगा 7,18,000। जब माइनस करिए कितना आ रहा है, करें माइनस 0,0,0, ये 2, ये 1, और ये कितना आ जाएगा हमारा 5, 5,12,000 की कीमत उसकी बची। ठीक है, ये मेरा हो गया एक्यूमुलेटेड डेप। मैंने इसको सोल्ड किया, क्या किया सोल्ड, कितने में किया 4,18,000। अब यही दिख रहा है मशीन की कॉस्ट है 5,12,000 और ये सोल्ड किया हमने 4,68 में, यानी लॉस हुआ या नुकसान फायदा हुआ, आप बताएं लॉस हुआ या फायदा हुआ। ऑब्वियस सी बात है, क्या हुआ हमारा लॉस, लॉस ऑन सोल्ड। ठीक है जी, कितने का लॉस हुआ है चेक कर लें, 1, 2, 3, 8, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 4, 44,000 का हमें क्या हो गया लॉस हो गया, इतना नोट कर ले पहले आप। तो ठीक है, अब हमारे पास वर्किंग नोट आ चुका है, थोड़ा हम उसको आपको समझा दें बेटा। एक्यूमुलेटेड डेप जो होगा हमारा, ये कहां जाएगा ये भी देखना है हमने, ये भी शिफ्ट होना है और ये भी शिफ्ट होना है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मैंने क्या किया, ये तो सेल किया था, ठीक है ना, ये जो आया मेरा ये लॉस ऑन सेल हुआ, ये ठीक है जी, थोड़ा सा इसको ठीक कर ले। ठीक है, क्लियर है सर। अब हमको पता है कि सर हमने जो पिछले क्वेश्चन में क्या था उसमें हम यहां को सब कुछ शो करते थे, सेल किया है, सेल किया है तो मेरी एसेट यानी मेरा जो एसेट है वो घटा या बढ़ा, बड़ा। सेल किया है तो एसेट घटी या बढ़ी, एसेट तो घटी, कैश बढ़ा। अच्छा, लॉजिक को समझिए, कल हमने जो सीखा था, हमने ये सीखा था कि जब भी सेल करते हैं तो एडजस्टमेंट, जनरल एंट्री क्या बनती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाय बैक किधर आना है। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, हमारा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू समझें, तो भैया हम इक्विपमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो इक्विपमेंट मतलब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट हुआ, सेल हुआ तो घटा है, एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से घटा है, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल कैटेगरी से आया, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहां पर, बाय बैंक और सेल, कितने की सेल हुई भाई, कहां गया सेल, 4,68,000, 468,000, कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा जी, प्रॉफिट होता तो इधर आता, लॉस होगा तो इधर आएगा, यहां पर हमें क्या हुआ है लॉस हुआ है सर, तो लॉस को हम डेबिट इधर शुरू कर देंगे बाय साइड में, ठीक है, बाय बाय पी एंड एल लॉस, ठीक है जी, थोड़ा उसको मिटा दें सही से, बाय पी एंड एल लॉस ऑन सेल भी ले सकते हैं आप, कितना आया बेटा 44,000 का, कोई दिक्कत, हमने इसको ले लिया, इसको ले लिया। अब ये है मेरा एक्यूमुलेटेड डेप, एक्यूमुलेटेड डेप किधर आएगा, ऑब्वियसली बात है हमने पहले बताया था डेप इधर आएगा, पर यहां पर मैं एक्यूमुलेटेड डेप तो लिख नहीं सकता, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, टू इक्विपमेंट ब्रैकेट में एक्यूमुलेटेड डेप, क्यों मैंने यहां पर लिखा इक्विपमेंट अभी बताता हूं, पहले इसको समझ लेते हैं, कितनी अमाउंट है बच्चे मेरी 7,00,000, थोड़ा छोटा बन गया कॉलम पर कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं लाउडर बोल रहा हूं आपको समझ में भी आए, ठीक है, मैं दोबारा समझा दूं, ये जाएगा मेरा इधर बेटा, ठीक है जी, ये दोनों कहां चले गए मेरे इधर, क्लियर है सर, क्योंकि ये दोनों के बारे में अच्छे से कलम सीख चुके थे, ये हमने अभी सीख लिया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर, यहां पर मैंने टू इक्विपमेंट क्यों लिखा, अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना था तो मैंने शुरू में ही बोला था, जब कभी हम मशीन को बेचेंगे तो सर मशीन की कीमत का हमें यह पता चलेगा उसमें लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, उसमें पूरे जितने भी डेप इकट्ठे हुए इकट्ठे के डेप को लेस करेंगे ना, तो बेटा डेप को लेस करने के लिए मैं इस डेप को कहां शिफ्ट करूंगा, इधर, इस वाले डेप को कहां शिफ्ट करूंगा, इधर, क्योंकि यहां कीमत घटेगी और यहां कीमत बढ़ेगी एसेट की, मुझे इक्विपमेंट बेचना है तो मैं इक्विपमेंट का डेप भी तो यहां शो करूंगा, तो कहां से लिया मैंने इसको, ये कहां से लिया मैंने, एक्यूमुलेट डेप अकाउंट से, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बाय एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, कितना आ जाएगा बच्चे, ये मैंने निशान मार दिया यहां पर ताकि आपको याद रहे, ठीक है, कितना आ गया 7,18,000, सारी एंट्री आ चुकी है मेरी, अब इसे क्लोज कर ले, पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही है, क्लियर है मामला, भाई यहां पर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप मैंने यहां शो करना है, जो ये एक्यूमुलेटेड डेप होगा वो यहां शो होगा, पर यहां शो इसलिए करना है क्योंकि जब मशीन को बेचा जाएगा ये तभी वहां शिफ्ट होगा, ऑलरेडी मशीन हमारी बिक रही है तो भाई इसको वहां शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि यहां पर इसकी रियल वैल्यू मुझे पता हो, यहां बैलेंसिंग फिगर आएगी तो मेरा क्या आएगा टू बैंक यानी परचेज, और यहां बैलेंसिंग फिगर आती तो आता बाय बैंक यानी कि सेल,
ऑलरेडी सेल हो चुकी है, दोबारा थोड़ी बेचेंगे, अब परचेज ही आना 100%, ये सीधी बात है, लॉजिकल चीज है। तो पहले इसको कवर कर ले हम, सर टोटल करिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 23,50,000, बिल्कुल ठीक है 23,00,000। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट क्या करें ताकि वीडियो की लाइन ज्यादा लंबी ना जाए, 23,00,000। बैलेंस की फिगर कितनी आई, 12,70,000। तो इसको क्या नाम दे दूं मैं, अब इसको समझिएगा, इसको दूंगा मैं बाय डेप अकाउंट, कहां पर, पीएनएल का, ठीक है जी। और ये जो होता है ये मेरा होता है करंट ईयर का डेप, ठीक है जी, इसे क्या बोलते हैं हम, करंट ईयर डेप। ये क्लियर हो गया मेरा, कोई इशू नहीं, इधर आ जाए। इसका टोटल क्या आप लोगों ने, 91,00,000 यहाँ पर कितना आ रहा है टोटल, 91,00,000। पक्का, 91,00,000 पक्का, यस सर, बहुत अच्छी बात, 91 थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है जी, 91,00,000, ठीक है। डिफरेंस कितना आया, 26,00,000 डिफरेंस आ गया आपका, तो यहाँ पर लिख देते हैं 26,00,000। यहाँ पर क्या था, परचेज, तो इसको क्या लिखते हैं, टू बैंक अ ब्रैकेट में परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत, तो यहाँ हमारा सारा ओके हो चुका है। अब हमने ये देखना है ये चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी, ठीक है सर, तो ये तो कहीं नहीं जाएगा और ये भी कहीं नहीं जाएगा। अब यहां से शुरू करते हैं सर, ये कहां जाएगा, बाय सेल हुआ है तो इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में प्लस, पीएनएल लॉस ऑपरेटिंग में प्लस, ये एक्युमुलेटेड डेट, इसको कहीं नहीं लेते, ठीक है सर, क्योंकि ऑलरेडी पूरा हमारा हो चुका है तो इसको कहीं नहीं लिया जाएगा, सर इसको आपको भूलना पड़ेगा। ये मेरा कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में माइनस, क्योंकि ये हमारा परचेज हुआ है, क्लियर सर कहानी। इधर आ जाते हैं सर, ये हट गया, ये डेप कहां जाएगा मेरा, ऑपरेटिंग में, और ये कहां जाएगा, ये तो कहीं नहीं जाना, खत्म, कहानी खत्म। तो यहां पर पूरा क्वेश्चन हो चुका है आपका, सही से नोट कर लीजिए तरीके से।